फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं गर्मियों में मैंगो शेक बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी रेसिपी दे दूँ। तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या चीज़ डालने वाली हूँ। तो मैंने एक मैंगो लिया है बड़े साइज का, इस तरीके का, ये बहुत ही मीठा है। और मैंने थोड़ा सा बर्फ़ लिया है, इसको मैंने इस तरीके का कर लिया है। 3 से 4 चम्मच बड़े मैंने चीनी ली है, 10 से 12 मैंने बादाम लिए हैं, थोड़े से मैंने काजू लिए हैं 10-12। मैंने इस तरीके के चॉप कर लिए हैं ये मैंने पिस्ता लिया है थोड़े से, और 1 गिलास दूध लिया है मैंने। तो फ्रेंड मैं इसको आपको कट कर दिखाती हूँ किस तरीके से काटना है हमें। ये इस तरीके से पीस कर लूंगी मैं इसके। तो इस तरीके से मैं सारे क्यूब निकाल लूंगी, ये बहुत ही आसानी से निकलते हैं ऐसे और बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरीके से कट कर लिया है मैंगो अपना। अब मैं इसको एक मिक्सी के जार में डालने वाली। तो फ्रेंड मैंने इसको मिक्सी के जार में गिर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीनी। दूध ऐड कर दिया मैंने इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें बर्फ़ डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसमें बर्फ़ भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैंने अच्छे से इसको मिक्सी में, तो देखिए फ्रेंड मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फ्रेंड अब मैं गिलास में डालने वाली हूँ, 2 गिलास लिए हैं मैंने। आपको जो ज़्यादा ठंडा पीना पसंद है तो इसमें थोड़ा सा हम बर्फ़ ऐड कर देते हैं गिलास में। दोनों गिलास में ऐड कर दूँगी मैं थोड़ा थोड़ा बर्फ़। अब इसको ऊपर से इस तरीके से हम इनको गिलास में ऐड कर लेंगे। देखो कितना अच्छा बना है मैंगो मिल्क शेक, इसमें ऐड करने वाले हैं थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट काटे हुए हैं। तो फ्रेंड मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं। अब मैं डालती हूँ काजू, मैंने 2 गिलास में ऐड कर दिए हैं। अब थोड़े से पिस्ते डाल देते हैं हम इसी तरीके से। फ्रेंड मैं इस पर डालने वाली हूँ मुनक्खा, गर्मियों में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही जायकेदार लगता है ये। गर्मियों में देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और पीने में तो मज़ा ही आ जाएगा गर्मी में ठंडा ठंडा मैंगो शेक। तो फ्रेंड आप भी बनाना और मुझे भी बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में बताना कैसा बना मेरा मैंगो शेक।